हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे छोटे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, ओके, जिसने पिछले 6 महीने में लगभग 600% की रिटर्न, और एक साल की बात की जाए तो लगभग 250% के रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दिए हैं। उन सारी चीज़ों से रिलेटेड, बैलेंस शीट से रिलेटेड बातें करेंगे। बट इस कंपनी को चूज़ करने के पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न था, ओके, वो रीजंस के बारे में बातें करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इसे पूरी तरीके से इस शेयर को समझ सके, क्योंकि ये शेयर फ्यूचर में आपको काफ़ी सारा प्रॉफिट दे सकता है। देखिए, एक डिस्क्लेमर और देना चाहता हूँ, कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, ओके, भागती है तो बहुत ऊँचे तरीके से भागती है, इतनी तरीके ऊपर की तरफ ही भागती है। और जब स्मॉल कैप कंपनी की बात यही होती है कि भागने पर भी तेज भागती है और गिरने पर भी इस तरीके से ही फॉल होती है। तो थोड़ा उसमें प्रिकॉशन में हमें कॉशियस होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। बट शेयर अच्छा है, ओके, उसके पीछे उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। उसके रिजल्ट्स में आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कि ये शेयर, ये कंपनी आगे चल के बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है। तो आइए इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, बट बिफोर दैट आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि आपको इस तरीके की बेहतरीन वीडियो मिलती रहे। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता हूँ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए। जैसे कि मैंने बताया था, 6 रुपये का देखो शेयर था, और बीच में भी अगर आप देखेंगे कुछ पैसों में ही मिल रहा था आपको, 1-1 रुपये पे शेयर मिल रहा है, और आज 163 रुपीज़ का है। और हाईएस्ट भी अगर हम देखें, ओके, तो हाईएस्ट भी इसका 260, 270 या 220 के लगभग, यहाँ पर 250 तक ये शेयर गया है। तो ये तो है इसका, बट जैसे कि बताया है स्मॉल कैप कंपनी है, भागेगी तो इस तरीके से ही ऊपर की तरफ आपको दिखेगा, बट गिरेगी तो आपको नीचे गिरते हुए दिखाई देगी। बट ये पिछले जिस तरीके से इसने रिजल्ट आपको दिए है ना मार्च के बाद, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 550-600% के यहाँ पर आपको प्रॉफिट सीधे होते हुए दिखाई दे रहा है। 5 ईयर्स में देखिए नेगेटिव में आपको जरूर दिखाई दे रहा है, बट मैक्सिमम जो हमारा टारगेट रहता है लॉन्ग टर्म का, और 1 ईयर का देखिए, 1 ईयर में तो कंपनी ने कमाल करके दिखाया है, ओके, बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको कमा के दिए है। एज वेल एज अगर हम शॉर्ट टर्म की भी अगर ईयर टिल डेट की बात करें, कोरोना से पहले ये शेयर लगभग 60 रुपये पे चल रहा था, कोरोना के बाद 22 रुपये तक ये शेयर आ गया था। अगर इसका लो भी आपको दिखाऊंगा अभी, तो ये इसके बाद जो कंपनी ने आपको रिजल्ट पेश करे है, इसके बाद जो कंपनी ने आपको प्रॉफिट कमा के दिया है, ओके, वो एक अच्छा ही प्रॉफिट है। एज वेल एज 1 डे का परफॉर्मेंस देख लीजिए, अपर सर्किट में ये शेयर चल रहा है अभी, ओके, और अपर सर्किट शेयर देखिए 6 रुपये, ये पिछले कई दिनों से केवल अपर सर्किट में चलता आ रहा है। देखिए सीधी लाइन बनी पड़ी है, अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट। तो इसके अभी मैं चार्ट पैटर्न दोबारा बात पे आऊँगा, बट आपको एक बार रिजल्ट दिखा देता हूँ। 1 डे का रिजल्ट पॉजिटिव, 1 वीक का पॉजिटिव, जैसे कि बात कर रहा था मैं आपको, ओके, 6 महीने का रिजल्ट देखिए, 6 महीने में लगभग, जैसे कि मैंने पिछले भी दिखा दिया, लगभग 550-600% के रिटर्न आपको कमा के दिए, 22 रुपये पे शेयर मिल रहा। तो लॉन्ग टर्म की भी बात की जाए तो 10 साल में कंपनी लगभग 3,39,700% के, मतलब 3,94,7.03% के रिजल्ट रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को कमा के दिए। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स एक स्मॉल कैप कंपनी, एक छोटी सी कंपनी आपको दे रही है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो देखिए आपके सामने ही है, 58.94% के रेट शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, ओके, फॉरेन इन्वेस्टर देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। और कोई भी अगर फॉरेन इन्वेस्टर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो कंपनी ऑब्वियसली बात है लाजवाब होनी है, 7.27, ओके, इंक्रीज करके 8.61। म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड ने सेम रखी है, 0.05%। इंश्योरेंस कंपनी है नहीं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने स्लाइटली अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और नॉन इंस्टीट्यूशन ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम कर लिया। तो ये है पूरा पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने। और आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो देखिए, 26 मार्च को 2,200 रुपये पे शेयर मिल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था। और 52 वीक हाई की बात की जाए तो अभी 23 तारीख को ही, मतलब अभी ये जो मार्केट खुल रहा था, तो 163.60 जो इसका अभी तक का 52 वीक हाई है। तो डिलीवरीज की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर पूरे 100% की डिलीवरीज उठाई गई है पूरी कंपनी में। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, और इसके अलावा बताना चाहता हूँ आपको, कंपनी ने एक परंपरा निभाती रही है अपनी डिविडेंड देने की। अब 0.40 छोटा सा डिविडेंड है,
बट डिविडेंड कंपनी हमेशा से देती आई है. ओके, 2017 में भी दिया, 18 में 2 बार दिया, 19 में 1 बार, और 20 में 1 बार ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है डिविडेंड. इसके अलावा हम इसके बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट पर थोड़ी सी नज़र देखेंगे. तो रिजर्व्स देख लीजिए, कंपनी के पास लगभग 932.89 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स है, जो पिछले साल 920.51 करोड़ के रिजर्व्स थे. इसके अलावा बोरिंग की बात की जाए, तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरिंग कम कर ली है, लगभग अभी 36.10 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व लॉन्ग टर्म बोरिंग है. शॉर्ट टर्म की बात की जाए, तो शॉर्ट टर्म में इनकी बोरिंग बढ़ गई है 291.85, बट कोई परेशानी नहीं है. बोरिंग किसी कंपनी के लिए कोई नुकसानदायक बात नहीं है. ओके, क्योंकि कंपनी खड़ी करने के लिए, कंपनी चलाने के लिए बोरिंग लेनी पड़ती है, बट कंपनी काम कर रही है कि नहीं वो डिपेंड करता है. तो उसके आगे मैं आपको अभी जो वीडियोस आगे बताने वाला हूँ आपको, उसे आप जरूर देखिएगा, तो आपको ये भी छोटा लगेगा. इसके अलावा मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, करंट इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा घटा दिया है, पॉइंट अभी 10 लाख के लगभग करंट इन्वेस्टमेंट है इनका. और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए, तो 20 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट लास्ट ईयर था, और अभी कितना है, 128.18 करोड़ रुपीज़ का इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. और एसेट की भी बात की जाए, तो लास्ट ईयर से ज़्यादा अभी एसेट लगभग 1658.68 करोड़ रुपीज़ का इनके पास एसेट है. और आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कंपनी कौन सी है, स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है. इसके अलावा स्प्लिट भी हुई है 2016 में, कंपनी एक बार स्प्लिट भी हुई है, एक बार आई थिंक राइट इशू भी कंपनी लाई है. तो ये सारा का सारा इनका है. अब आ जाते हैं टॉपिक पर, कंपनी काम किस में करती है, तो आपको बताना चाहता हूँ कंपनी जिस फील्ड में काम करती है उसका नाम है टेक्सटाइल. ओके, हम ऑलवेज बात करते हैं बड़े बड़े शेयर्स की, हम इंफोसिस, TCS दूसरे शेयर्स की बात करते हैं, और ये छोटी कंपनी उसमें छुप जाती है. कंपनी के रिजल्ट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2 मिनट बाद. तो बट यहाँ पर देखिए आप, इस चीज़ के जो चाइना और इंडिया का जो हमारे क्लैशेस चल रहे हैं, ओके, इसमें ये कंपनी शायद काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठा सकती है. ओके, तो आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए चाइना का टेक्सटाइल में, ओके, जो एक्सपोर्ट है लगभग 39% पूरा कैप्चर कर रखा है, और वहीं इंडिया की बात की जाए तो लगभग 11% ही केवल इंडिया एक्सपोर्ट करती है टेक्सटाइल में. और एज वेल एज बात की जाए पिछले 5 साल की, तो 5 साल पहले इंडिया 9% पे थी, जो कि इंडिया ने अभी ग्रो करके कितना कर लिया, 11%, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं. ओके, तो कंपनी इंडिया ग्रो करती जा रही है टेक्सटाइल में. और अभी जैसे जिस तरीके क्लैशेस चल रहे हैं चाइना के ऑल ओवर वर्ल्ड, ओके, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा इंडिया को मिलने वाला है. ओके, तो इंडिया को इसका फ़ायदा मिलेगा. तो ये कंपनी अगर एक्सपोर्ट करने में इंडिया आगे है, 11% कर रही है, पिछले 5 साल में बढ़ भी गया है, तो आगे चल के ये टेक्सटाइल का बिजनेस और बड़ा हो सकता है, और बढ़ेगा तो इंडिया को डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है. और ये कंपनी ने कोविड जैसे सिचुएशन में भी अपने अपने आप को, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, देखिए ऑन द बैक ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन मैनी ब्रांड्स आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल ज्योग्राफी. ओके, मतलब केवल इसी पे, चाइना पे या फिर इन पे डिपेंड रहना, या फिर ये जो कम पे डिपेंड रहना, कम दूसरे वर्ल्ड छोड़ना चाहते हैं डिपेंड रहना. लाइक जैसे फार्मेसी में, केमिकल्स में चाइना वहाँ पर भी लीड करता है, तो वहाँ पर भी अगर वहाँ पर भी दूसरी ऑप्शंस दूसरी वर्ल्ड की कंपनीज देख रही है, एज वेल एज इस फील्ड में भी यहाँ पर कंपनी यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट वर्ल्ड के कंट्रीज ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, और इंडिया एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है. और रिटर्न्स आपने देखे ही है कि पिछले 5-6 महीने में किस तरीके के रिटर्न्स कंपनी ने दिए. एक बार मैं आपको मेन चीज़ दिखा देता हूँ. देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, बट इसका अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना, आप गजब रह जाएंगे इसके परफॉर्मेंस को देख के. यहाँ पर देख लीजिए, होप आपको ये दिखाई दे रहा है. देखिए ये है जो रिज़ल्ट, ओके, ये Q2, ओके, कंसोलिडेट पहले रिजल्ट है आपको बताना चाहता हूँ. Q2 का रिजल्ट यहाँ पर है, ओके, क्वार्टर लास्ट ईयर का रिजल्ट यहाँ पर है, और Q1 का इस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर है. तो अब पहले देखते हैं ईयरली वाइज, तो पिछले साल लगभग 568 करोड़ रुपीज़ का इनका रिवेन्यू था फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि मेन बिजनेस से आता है. और इस बार जो बढ़ के क्वार्टरली बढ़ के कितना हो गया, 714, जो कि काफ़ी अच्छा है. एज वेल एज क्वार्टर की बात की जाए, तो लास्ट क्वार्टर केवल 332 था, जो कि अभी बढ़ के कितना हो गया, 714, मतलब डबल से ज़्यादा इन्होंने पिछले क्वार्टर से किया है बिजनेस. और अदर ऑपरेटिंग इनकम की बात की जाए, तो इस साल केवल 10, और लास्ट ईयर 19 करोड़, और इससे पहले कितना, 4 करोड़ रुपीज़ था लास्ट क्वार्टर की बात की जाए. तो
बट अगर और टोटल इनकम की बात की जाए तो कंपनी के टोटल इनकम कितनी है इस साल, इस क्वार्टर में 724 है, लास्ट क्वार्टर में 336 थी और लास्ट ईयर में 587 है। तो हर पैरामीटर पे ओके कंपनी का इनकम अच्छा है, हर पैरामीटर पे क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली ओके अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। और टोटल एक्सपेंस की बात की जाए तो कंपनी ने एक्सपेंस कितने की है, लास्ट लास्ट क्वार्टर किए थे 297, लगभग 300 करोड़ कह सकते हैं। लास्ट ईयर बात की जाए तो 505 करोड़, और इस साल इस क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस कितने हैं, 597 करोड़ रुपीज़ के एक्सपेंसेस हैं, जो कि इनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं। एज वेल एज अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं, पीबीटी की बात कर लेते हैं, तो लगभग 107 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूँ। और अगर 34 और लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर कंपनी माइनस में चल रही थी, देखिए 34 करोड़ रुपए माइनस में थी और लास्ट क्वार्टर 23 करोड़ प्रॉफिट में थी। बट क्वार्टरली देखिए क्या जंप कंपनी ने लगाई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या जंप लगाई है। और अगर यहाँ पर बात की जाए, नेगेटिव में चल रही थी कंपनी को पॉजिटिव में लिया है, और फिर आफ्टर टैक्स की बात की जाए, टैक्स एक्स देने के बाद, तो कंपनी के अभी के रिटर्न्स हैं, अभी के प्रॉफिट कितना हुआ है, 81%, 81 करोड़ रुपीज़ का, सॉरी 81 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। और लास्ट ईयर की बात की जाए तो केवल 11 करोड़ का प्रॉफिट रहा, और लास्ट क्वार्टर में 18 करोड़ रुपए का। तो क्वार्टरली और ईयरली बेस पे काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस छोटी सी कंपनी ने करके दिखाया है। और ईपीएस की अर्निंग पर शेयर की भी बात कर लेते हैं, तो जहाँ पर लास्ट क्वार्टर में केवल 91 पैसे था ओके, इसके अलावा लास्ट ईयर की बात की जाए 0.55 था, तो अभी बढ़ के कितना हो गया, 4.15, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। तो देखिए कंपनी ने के रिजल्ट्स, एक स्मॉल कैप कंपनी है, उसने ट्रिमेंडस रिजल्ट पेश किए हैं ओके, ट्रिमेंडस प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है, और इसने अपने शेयर होल्डर को काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स कमा के दिए हैं 10 साल में भी, लॉन्ग टर्म में भी, एज वेल एज शॉर्ट टर्म में भी। तो आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। और कंपनी का नाम आप बता देता हूँ, कंपनी का नाम है इंडोकाउंट इंडस्ट्री लिमिटेड, इंडोकाउंट इंडस्ट्री लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। और कंपनी करती क्या है, कंपनी टेक्सटाइल के बिजनेस में, टेक्सटाइल का बिजनेस आपको पता ही है, काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है। और मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा चुका हूँ कि लगभग इंडिया ने पिछले 5 साल में 9% से 11% की हिस्सेदारी एक्सपोर्ट में दिखाई है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अभी अपर सर्किट में चल रहा है, शायद अभी और अपर सर्किट में ही चले, क्योंकि रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे पेश किए, बट ये कंपनी में आपको मिलता है, और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हो आप, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आपको बहुत बेहतरीन, जिसका ऑल टाइम हाई है 246, 248 जो भी है, तो उसके करीब ये कंपनी जा सकती है, तो उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, 243 जैसे कि आप 5 फेब को लगाया था, तो ध्यान दे सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है, तो आप एक बार इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंफर्म कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास मैं लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऑलवेज सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।